हेलो फ्रेंड्स, कोई मिनिमाइज फॉर्म दिया होगा, उसका हमें कैनोनिकल या फिर स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी डैश। ये मिनिमाइज फॉर्म है, ये एक मिन टर्म है, ये एक मिन टर्म है और ये एक मिन टर्म है। ये एसओपी फॉर्म है, पर स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें सी मिसिंग है, इसमें बी मिसिंग है और इसमें ए वेरिएबल मिसिंग है। तो हमें स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे कन्वर्ट करना है हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट मिन टर्म में हमने क्या किया, ए बी प्रेजेंट थे तो हमने ऐड कर दिया सी प्लस सी डैश। अब हमें पता है ए प्लस ए डैश हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन, और ए इंटू वन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए। वो हमने प्रीवियस लॉ में देख लिए हैं, बुलियन एक्सप्रेशन के रूल से। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लें, ताकि आपको ये टर्म समझ में आ जाए। अब यहाँ पे ए बी प्रेजेंट थे तो हमने क्या किया, सी प्लस सी डैश का जो है टर्म वो रख दिया, तो सी प्लस सी डैश हो जाएगा वन और ए इंटू बी इंटू वन वो हो जाएगा ए बी। मीन्स हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर सिमिलरली यहाँ पे बी मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, बी प्लस बी डैश ऐड कर देंगे, और ये मिन टर्म में हम क्या करेंगे, ए मिसिंग है तो ए प्लस ए डैश रख देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म को और ये टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ए बी इंटू सी प्लस ए बी इंटू सी डैश। तो ये ऐसा स्टेटमेंट हमें मिला। अब क्या करना है, ए बी सी प्लस ए बी सी। अब हमें पता है ए प्लस ए क्या होगा, ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ए बी सी प्लस ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी, और ए बी सी डैश और ए बी सी डैश क्या हो जाएगा, ए बी सी डैश। तो फाइनल हमें कुछ इस तरह से मिलेगा एसओपी फॉर्म। अब आप देख सकते हो ये मिन टर्म है, उसमें तीनों के तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, ये भी एक मिन टर्म है और ये भी एक मिन टर्म है और ये भी एक मिन टर्म है। तो हर एक मिन टर्म में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड या फिर कैनोनिकल एसओपी फॉर्म है।